तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी भी हम गांव में, अभी हम काफी दिन हो गए, अब शक्ति की ड्यूटी है, तो हम लोग जा रहे हैं वापस से दिल्ली। बट हम जल्दी आएंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरा पता है मन नहीं कर रहा है जाने का, पर मैं क्या करूँ, ड्यूटी है, नहीं तो हम और रुकते हैं यहाँ पे। गांव को बाय तो बोल दे, बाय क्या बोला, अभी जल्दी आएंगे। तो गाइज, अभी होता अपने गांव का ट्रिप खत्म, अब चलते सीधा दिल्ली के लिए। भाई ड्यूटी है इसलिए जाना पड़ेगा, वरना मेरा मन नहीं था, सोनम का भी मन नहीं था, थोड़ा रुक के जाने का मन था, लेकिन कोई नहीं, गांव का ट्रिप एज ऑलवेज हमेशा मस्त ही रहता है। गाइज, इस लड़की को देखो, ये किस में खा रही है खाना, कढ़ाई में। एक्चुअली गाइज, हम लोग निकल गए थे यहाँ से, लेकिन है ना, ये अपना पर्स भूल गई यहीं पे, और सारे पैसे यहीं भूल गई, इसलिए हमें दोबारा आना पड़ा। जी बच गई है पनीर की थोड़ी बहुत, वो चाटने में लगी हुई है, कुत्ते चाटते हैं ऐसे। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो के अंदर। अभी अभी ड्यूटी से आया हूँ, और मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग यहीं से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा शैतान बच्चा है ना, कि बहुत शैतानी करने लगा सारी। इसने इलायची छीलती है, ये मेरी बहुत हेल्प करती है, पता है कैसे, मटर छीलती, इलायची, मटर और लहसुन सब छील लेती है। ठीक है, रुको, आप कपड़े वपड़े चेंज करके आपको दूध पिलाएंगे। इसके लिए ना हम स्पेशल दूध तैयार करते हैं, वो इसको बहुत मस्त लगता है और बहुत मजे से भी पीती है। दूध पिएगा मिया? ये दूध पिएगा? हाँ। और ड्रामेबाज हो गया ये बिल्ला, छोटा सा बिल्ला, छोटा सा बिल्ला। पता है इसकी नानी, नाना नानी भी आने वाले हैं यहाँ पे घूमने के लिए कल। अच्छा। तो इसको है ना, जब बहुत मजे आएंगे इसको घुमाने के लिए लेके जाएंगे यहीं पे। ठीक है बिल्ले, क्यों मार रही हो बंदर को, क्यों आपको मारा, बोलो इसको। इसने मारा आपको? कह रही है, क्या बोल रही नहीं बंदर को आप? कहती है तूने मारा, कैसे मारा अभी बताती हूँ। सो गाइस, ये लड़की आजकल इतनी शैतान हो गई, कुछ भी हमें करने नहीं देती है। सो गाइस, आपको पता है जैसे कि हमारे ट्रैवलिंग व्लॉग्स चल रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करते वक्त मैं हमेशा यही ध्यान रहती हूँ कि मेरे पास मेरे बेबी का ट्रैवल बैग मेरे साथ हमेशा रहेगी। मेरे ट्रैवल बैग में होते हैं निया के क्लोथ्स, डायपर, हॉट वाटर बॉटल, डिफरेंट टॉयज, क्योंकि बच्चों का कुछ पता नहीं है, इनको कब भूख लग जाए, कब किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। एंड अभी इसकी नाना नानी आने वाले हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखी है लड़की। देन उसके बाद हम जाएंगे घूमने, बट काफी लड़कियों के मैसेजेस थे कि दी आप निया को कौन सा मिल्क देते हो, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, फिर चलेंगे घूमने। मुझे डेली सेम मैसेजेस मेरे सोशल मीडिया हैंडल यूट्यूब इंस्टा पर आते हैं, और उन लड़कियों के आते हैं जो अभी न्यूली मॉम्स बनी हैं। उनका एक ही कंसर्न रहता है कि हम बेबी को प्रॉपर वे में ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बेबी भूखा रह जाता है, देन हम क्या करें। एंड ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी थी, और मैं इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि आपको पता है कि 0 to 6 months के बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बेबी ग्रोथ में अच्छे से हेल्प करते हैं। बट किसी वजह से आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें। तो दिमाग में एक ही चीज आती है, बेबी फॉर्मूला मिल्क। अब बेबी फॉर्मूला मिल्क सिलेक्शन भी मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि मुझे एक ऐसा फॉर्मूला मिल्क चाहिए था जिसमें बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हो और मदर ब्रेस्ट मिल्क के क्लोजर हो, और मेरे बेबी की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो, और सबसे मेन चीज उसको सूट हो, क्योंकि मैंने मेरी बेबी निया के लिए बहुत सारे ब्रांड ट्राई किए थे स्टार्टिंग में, बट वो ब्रांड उसको कभी सूट नहीं हुए, क्योंकि उसे कभी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता था, कभी वॉमिट के इश्यू। फाइनली काफी रिसर्च के बाद मुझे पता चला बेबी फॉर्मूला मिल्क एप्टा मिल्क के बारे में, एंड इसने मेरी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी, इट सूट्स वेरी वेल, ना कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, ना कोई वॉमिट का इश्यू, and thanks to softer stools and no constipation की problem, and I'm very glad to have this Aptamil. इसके अंदर unique ingredient है, और ये mother's milk को mimic करता है, जो support करता है baby development को, baby growth को, क्योंकि मैंने ये notice किया है कि मेरी baby की height and body weight growth बहुत अच्छे से हुआ है, इनफैक्ट अपनी रेंज से ऊपर ही हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मेरी बेबी की ग्रोथ होगी या नहीं, और ये बेबी की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे आपका बेबी कम बीमार पड़ता है, और ये आपके बेबी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। तो गाइस, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एप्टामिल के साथ में, क्योंकि ये हाई क्वालिटी एंड ट्रस्टेड ब्रांड है, क्योंकि ये बेबी को बहुत अच्छे से सूट भी हुआ है, और बेबी ग्रोथ में कोई कंप्लेंट भी नहीं है, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करती हूँ एप्टामिल गोल्ड के लिए, इसे आप अपने बेबी के लिए जरूर यूज करें। मैंने निया को एप्टामिल गोल्ड तब देना स्टार्ट किया था जब वो 3 महीने की थी, हमने स्टेज 1 से देना स्टार्ट किया है। आप भी अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग एप्टामिल गोल्ड का स्टेज देखकर खरीद सकते हैं। जैसे 0 to 6 months के बच्चे के लिए एप्टामिल गोल्ड स्टेज 1 है, 6 to 12 months के लिए स्टेज 2,
एंड 12 टू 24 मंथ के लिए स्टेज 3 है। आज हम एक नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं और वो जगह तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रखी है, लेकिन आज सासू माँ ससुर जी के साथ में आए और ये देखो बिल्ला बिल्ला बिल्ली मौसी है ना, आज सुबह से पता नहीं इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रखी है, हर बात पे इसको रोना है। तो निया को हम पहली बार हुमायूं टॉम लेकर आए हैं, आज हम हुमायूं टॉम घूमने के लिए आए हैं। देखो अब देखो चलना ही नहीं है उसको, पैदल मार रही है, ले जा रही है। तो आज हम जा रहे हैं हुमायूं टॉम और हम लोग आए थे जब शायद निया नहीं थी, शायद क्या थी, निया थी नहीं, थी और तूने यहाँ पे मुझे चाटा मारा था। हमने हमारी वीडियो का टाइटल भी यही है, पब्लिक प्लेस में सरेआम मारा चाटा, भूल गई, मैं भूल गई यार, चलो फिर से चाटा मारते हैं। गाइस दिल्ली में है ना घूमने की बहुत अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन यार एक जगह घूमने जाओ तो पूरा दिन लगता है वहाँ पे। ये देखो भाई निया को घसीट के ला रहे ऐसा बना के थे उसको अपन कश्मीर में लेकर गए थे, चला नहीं जा रहा, कैलोरीज कम खाइए इसे लग रहा है निया चुस्ती मार लो आपकी गाइस ये रिएक्शन रहता है इसका, इससे अगर एक बार और तो लेके ही रहूंगा, चाहे अब की बार तो ले बार तो लेके रहूंगा देख रहे हो गाइस इसको नहीं दूंगा तो गाइस काफी अंदर जाकर है भाई, हम तो पहले आए हुए थे, अंदर से बहुत सुंदर है, अभी आपको दिखाऊंगा, पकड़ो मुझे। तू डॉल जैसी लगती है पता है उस जमाने में इतना बड़े बड़े मकबरे बनते थे, आज की डेट में 100 गज का मकान नहीं ले जा रहा हम पे यार, कितने गरीब है हम लोग तो गाइस देखो कितना ब्यूटीफुल है भाई, ये देखो मतलब ये दूसरा ताजमहल बोल सकते हो आप इसको, यहाँ पे म्यूजियम भी है बहुत प्यारा, अंदर देखो ताजमहल इसकी थीम पे बना हुआ, ताजमहल बाद में बना था, ये पहले बना हुआ है, वो देखना पड़ेगा, नहीं पहले बना हुआ देख लियो, बट ज्यादा मुझे पता है वो ही है। गाइस अभी हम जा रहे हैं अंदर और सीढ़ियां बड़ी वैसी है गाइस, अपने जैसी नहीं है, घर में जैसी बनती है, बड़ी अजीब सी है, अगर कोई ऊपर से गिरे ना तो नीचे आके मर जाए, सो बहुत लंबी लंबी सीढ़ी है, थोड़ा ध्यान से केयरफुली, यहाँ पे चढ़ने का भी है, साथ में बैठे पकड़ पकड़ के चढ़ रही है मम्मी, क्योंकि खड़ी सीढ़ियाँ बिल्कुल, ये कोई गिर जाए ना तो नीचे जाके पड़ेगा, तो अभी हम चढ़ गए ऊपर। देखो देखो यहाँ पे देखो कब्रें बनी हुई है, जो भी भाई हुमायूं के खास खास आदमी होंगे उन्हीं की कब्र होगी, अब हमें तो पता नहीं किसकी है, ये देखो सारी कब्रें हैं, और अभी अंदर दिखाएंगे आपको, अंदर भी है यहाँ पे, क्या देख रही नहीं, आत्मा बुला रही है क्या कब्रों के अंदर से, मर चुके हैं वो लोग, फारसी या उर्दू के अंदर कुछ लिखा है इसका। तो गाइस पहली बार मौका मिला है मुझे कब्र के बगल में बैठकर वीडियो बनाने का, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, और अंदर से आत्मा सुन रही होगी कि ये आदमी यहाँ बैठ के आराम से वीडियो बना रहा है अपनी यूट्यूब के लिए। इन सारी कब्रों के ऊपर अरबी में कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन वो हमारी समझ से बाहर है क्या लिखा है। हाँ मुझे अब याद आया हमने कौन सी वीडियो बनाई थी यहाँ पे, पत्नी ने दिया जोर का चाटा गाल के नीचे पति को। अच्छा हाँ तो कितना सुंदर लगता है ना, नहीं डॉल जैसा साले मोटे ठीक है यार, मोटापे में स्वाइप। तो गाइस देखो ऊपर से देखो कितना बढ़िया और कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे। अच्छा निया घोड़े पे बैठ गया निया, चलो है ना, हमारी निया इतना रो रही है ना सुबह से, हम क्या करें भाई, उसको घोड़ा मिल गया अब ठीक रहेगी शायद, घोड़े ढंग से चला भाई, दिखो 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 दिखो, ये सही है, ये जरा सा टोपा पहन के बड़ी बड़ी खुशी नजर आती है, ऊपर घोला घोला सही है हमने देख सोनम कुछ है देख वहाँ पे भी। हाँ नीचे जाने का है ना यहाँ से रास्ता, यहाँ पे इसकी हाइट बहुत ही ऊंची है, और हमने पहले वाली वीडियो में भी आपको दिखा रखा है काफी कुछ, वो देख वो क्या है सोनम, और उसका उसका नहीं पता यार, यहाँ पे काफी सारे किले विले है, फोर्ट वगैरह बहुत है आस पास, सो ये देखो बिल्कुल ताजमहल वाली थीम पे बना हुआ है ये पूरा, जैसे जैसे बस वहाँ पे वाइट पूरे पत्थर पूरे वाइट है या लाल है, निया बहुत चिड़चिड़ी हो रही है इसलिए हमारा आधा मन फ्रंट फेस यहाँ से है और अंदर भी यहाँ से जाते हैं,
ये देखो मैंने सोचा निया के जैसा ना कैप लेके आऊंगी, बट ये कैप मेरे को अच्छा नहीं लगा यार। पैसे बहुत, निया को संभालना बड़ा मुश्किल है। देखो मैं इसके लिए घोड़ा बना हुआ हूँ और इससे लग रहा है कि मैं घोड़ा ही हूँ। ठीक है, जब से सोनमर्ग गई है ना मेरी लड़की घोड़े की दीवानी हो गई है, तब से कहती पापा घोला। पर इसको घर के अंदर गधा भी देखने को मिल जाता है। ये किसकी कब्र है? यहाँ पे आपने कुछ निकाला गूगल करके कि यहाँ कब्र किसकी है यहाँ पे? नहीं, कब्र तो इसी की है, वो तो अपना हुमायूं की। अच्छा, लेकिन जो साइडों में है वो पता नहीं, इनका पता नहीं है। कोई ना कोई होगा जो ये छोटी मोटी कब्र जो दिखाई दे रही ना आपको, ये रानी वानी की हो सकती है, हो सकता है लड़कियों की हो, कोई रानी छोटी हो उसकी, कोई 5 फुटी हो, कोई 4 फुटी रानी हो, ऐसा बोनी रानी भी तो हो सकती है। मैं लेट के देख जा। सुरजी ने गूगल का इस्तेमाल करके सबकी कब्रें इस्तेमाल करके सारा बता दिया कि दारा शिव को इनके परपोते इनकी बेगम सबकी कब्रें यहाँ पे है। सासू आपको यहाँ पे घूम के कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहोगे अपना? मेरी सांस फूल गई है, तबीयत खराब है, इसलिए तबीयत खराब है। अच्छा लगा, अच्छा है। ताजमहल जैसा ही है ना सेम? ताजमहल जैसा ही है। हाँ, ये लाल है और वो सफेद है। हाँ, ये लाल है वो सफेद है। हाँ, लेकिन है बहुत खूबसूरत भाई, ऐसी जगह जरूर जाना चाहिए जहाँ पे आप हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजों को जान सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें अगर गूगल करके आओगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको। मेरे को तो पता ही नहीं था किस किस की कब्रें, तो ससुर जी ने अभी निकाला गूगल करके भाई किस किस की कब्रें हैं यहाँ पे। तो गाइस सब चीज ठीक है, लेकिन है ना यहाँ पे हुमायूं टॉम में ना सीढ़ियां बनाने की कंजूसी बहुत ज्यादा कर दी है। ऐसी खड़ी खड़ी सीढ़ियां हैं और हुमायूं वैसे भी सीढ़ियों से गिर कर ही मरा था। ये भी ससुर जी ने बताया, हमें नहीं पता था ये। हमारी याददाश्त कमजोर हो चुकी है ना इसलिए। नहीं नहीं, गूगल पे निकाल के देखिए। पापा जवानी की और अग्रसर है बुढ़ापे की।